लेकर बन रहा सीतैया। वहां पर परिस्थितियां, मैं पहले भी बोला था कि कुछ नई शॉट देख रहे थे कि वहां पर जगह है तेरा रन बिना किसी नुकसान के, यानी कि क्या आगाज मिला है एग्रोसेल टाइटन। तो ढोली अपने घोटा का पहला पारी का दूसरा बोले तो आज भी इस बार हवाई प्रहार, कोई खिलाड़ी पहुंच चुका है 21-21 बिना किसी नुकसान के। दो चौके इस ओवर से आ चुके हैं, पहले वनराजी ने 13 रन खर्च किए। यहां पर रेलकट वॉरियर्स आज शुरुआत मेरे हिसाब से अच्छी नहीं, और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि वो दमकम रखते लेकर आएंगे जो हर हमेशा दर्शक चाहते हैं कि असलम मुतवा बड़े बड़े हिट लगाए। आज मुतवा आज टूर्नामेंट में जहां तक गेंदबाजी की बात है, ऑप्शन के बाहर गेंद और ड्राइव करने की कोशिश किनारा लगा है तैयार। हवा में गेंद दीपक गठवी नीचे और आसान सा मौका ऐसे कैच तो यहाँ बाहरी और आपने बताया और उन्होंने प्रहार करके दिखाया के साथ काफी अरसे के बाद चौका लगा है, शायद तीसरी ओवर के बाद अब पहला चौका आया है। जिस तरह से डॉट की बात करें अब तक जितनी भी मैचें हुई है इसमें अगर 200 ओवर की बात करें इस बार सही तरह से गेंद को लिया है और बाउंसर गेंद थी, ऑफ के बाहर भी थी, वहां से खड़े खड़े लपेटा, काफी दूर से खेले थे। मोहन इस तरह से खड़े खड़े खेलने की कोशिश में उतना बढ़िया कनेक्शन बनता नहीं है, लेकिन उतनी ताकत प्रदान के रूप में मिलते हैं। गेंदबाजों की गेंदबाजी जबरदस्त रही है यॉर्कर। हलचल हुई है, जिस तरह से रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, लेकिन उस ठहरे पानी में कंकर जरूर लगाया है छक्के की बदौलत और 65-8 विकेट के नुकसान अपने खाते में जोड़े। तैयार राजेंद्र की छोड़ा इस बार बाले पे गेंद, हवाई प्रहार ऐसे तरक्षक गेंद के नीचे, ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। ढोली से वहां और दो पे राजेंद्र लगता है विकेट पे ही करेंगे, बिल्कुल विकेट पर गेंद, बाल बाल बचे यहां देखना होगा। और अभी तक इस टूर्नामेंट में पहली गेंद पर मोड़ा जरूर है, काफी तेजीला रन यहां पर चुराया, इस बार जगह बनाई है, मौका मिला है और मौका जाता है। फुल टॉस गेंद, गैप जो है उसका फायदा मिलेगा, दौड़ जरूर लगाई बाजी कर रहे हैं, इसी तरह के प्रहार देखने को मिलेंगे। बार बार मैं बताता हूँ कि बहुत कम बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इनको वी में खेलना पसंद है। क्या शॉट बेहतरीन, और यहाँ पर 6 रन, अदर से यूजल और ताकतवर शॉट यहाँ पर निकला। विजय गोस्वामी की बात कर रहे थे हमारे अरोरा कि चाहे मैच कोई भी हो वो अपना, और इस बार किसी के पास कोई मौका नहीं। विजय गोस्वामी का बल्ला बोल रहा है और यहाँ पर रन तोड़ रहे हैं, स्कोर जा पहुंचाती। अरे बस मैकलम का उदाहरण दिया था, जीत हासिल की थी, कुछ वैसा ही आज घटता हुआ हवा में आसान मौका। और मैं बता दूं नीलकंठ वॉरियर्स के कप्तान और मामद मौका, बड़ा प्रहार प्रहार करने के लिए थे वहां जो किया था, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर गए। हार्दिक स्वागत है मयूर सूद, ये गेंद और बेहतरीन प्रहार सफल किया था अंदाज को, लेकिन इनके पास ये महारत हासिल है कि इनके बड़े शानदार लगा दें, टाइमिंग बढ़िया रहती है, जिस तरह की कद काठी है लगता नहीं कि इतने लंबे लंबे छक्के लगाएंगे, लेकिन दीपक
तैयार संदीप मंगवाला। और इस बार खिलाड़ी नीचे एक और बड़ा प्रहार, बिन विकेट के ऊपर से छक्का, बड़ी जल्दी में नजर आ करने के मूड में है नहीं। 63 तोड़ लिया, अब सिर्फ 12 रन की दूरी। और जिस तरह से संदीप मंगवाना बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम कह सकते हैं दो प्रहार की दूरी 12 रन दूर। जिस तरह से 12 रन की जरूरत है, और इस बार एक और करारा प्रहार बनते हैं। और बड़ा प्रहार इसी के साथ, इस शानदार छक्के के साथ। तो जिस तरह से देखे, असल मुद्दा देख रहे थे कि छक्का लगा है, यानी कि सोच रहे थे कि मैच समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, अब अगली मैच की तैयारी करेंगे। यहाँ पर एग्रो सेल टाइटन के कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से नीलकंठ वॉरियर्स के गेंदबाजों ने गेंदबाजी शुरू